हेलो डियर वर्स इश रियाजमला जो लंग एट क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिक्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट्स फोर क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन सेट टू दैट द एरिया ऑफ एन इक्वलिटर ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू दाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विटेड ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ द डाइगनस बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन समझने की बात है क्वेश्चन बता रहा है हमारे पास एक स्क्वायर है ये मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है से ए बी सी डी स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके से बिस ओके यू आर राइट बराबर होते हैं तो इसके साथ हमें क्या है हमारे हमारे पास एक इक्वलेटर ट्रायंगल है जो यहां पर एक साइड में बनती है दूसरी इक्वलेटर ट्रायंगल जो है कहां बनती है डिस्क्राइब ऑन द डायगनल ये डायगनल पर बनती है ये मान लीजिए ऑफ ई है ये मान लीजिए यहां पर एफ है सो बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर अगर साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ऑल एल दिजो ये भी ए होगा ये भी ए होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है अब अब चूंकि हमारे पास ये पता हमें डायगोनल पता नहीं है डायगोनल हमें ढूंढना है डायगोनल हम कैसे ढूंढेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं देखेंगे लेट्स इट आउट हमारे पास गिवन क्या है गिवन हमारे पास कॉर्डेटर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर कोर्डनेटर जो दी हुई है हमारे पास ये स्क्वायर है ट्राइंगल बी सी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल डिस्क्राइबड ऑन वन साइड बी सी ओके तो हमें यहां पर ए सी एफ ट्राएंगल ए सी एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रैंगल डिस्क्राइबड ऑन डायगोनल ऑफ स्क्वायर डायगोनल ऑफ स्क्वेयर ए सी ए सी एफ इज एज एन इक्विलेटरल ट्रैंगल डिस्क्राइब डिस्क्राइब ऑन द डायगनल अब हम हमें प्रूव क्या करना है हमें ये प्रूव करना है इसमें हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू द बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रैंगल ए सीई ए सी एफ ओके प्रूफ हम लिखेंगे ऑल इक्विलटर ट्रैंगल आर ये हमने पहले एग्जाम सिंस ऑल इक्विलेटर ट्रैंगल आर व्हाट ऑल इक्वलेटर ट्रैगल आर सिमिलर ये हमने पहली एक्सरसाइज में किया दियर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए सी होल स्क्वायर अब यहाँ पर हमें क्या पता है हमें यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये ए है ये ए है ये 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 सभी सभी साइड ए ए है अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये यह जो ए uh, सी होगा ये किसके बराबर होगा ए सी होगा सपोज ये बी सी हमारे पास है बी सी तो ये ए सी जो होगा ये होगा अंडर वोड टू बी सी अंडर रूट टू बी सी क्योंकि हम यहाँ पर पाइथागोरस थॉर्म में अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर आएगा ए इंटूपन स्क्वायर इज इक्वल बे प्लस पर स्क्र ए स्क्वायर प्लस ए स्क्र तो ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर यहाँ पर ए सी जो होगा ए सी स्क्वायर ए सी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्र रूट ऑफ बी सी ए स्क्र ए स्क्र A और स्क्वायर का रूट का कट हो जाएगा यहां पर टू रह जाएगा अंडर रूट टू तो यहां पर हो जाएगा यहां पर हम यही लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू बी सी स्क्वायर ओके तो यहां पर लिखेंगे हम इस तरह डायगन हमारे पास अंडर रूट टू साइड है ठीक है ए सी क्या होगा अंडर रूट टू बी सी होगा ओके आसान आसान बहुत ही आसान बहुत ही इजी तो हम यहां पर लिख सकते हैं बी सी हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रैंगल ए सी एफ इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर डिवाइड बाई टू बी सी स्क्र क्योंकि रूट और स्क्यर जो होगा वो कट हो जाएगा अब बी सी स्क्यर और बी सी स्क्वेयर हो गया तो यहां पर क्या रह गया यहां पर रह गया एरिया ऑफ ट्रैंगल बी सी ई डिडेड बाई एरिया ऑफ ट्रैंगल ए सी एफ इज़ इक्वल टू वन बाई टू एरिया ऑफ ट्रा एंगल बी सी ई इज़ इक्वल टू वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रा एंगल ए सी एफ यही हमें प्रूव करना था तो हमने ये प्रूव किया होप आपको ये समझ आ चुका होगा दिस फिनश इज यक्सरसाइज नंबर सिक्स पॉइंट फोर होपफफुली ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी बेस्ड ऑन द थ्योरम जो हमने थ्योरम की वो स्क्र ऑफ द एरिया ऑफ द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्र ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड दैट इज़ इट अल्लाह हाफिज़ इसी ट्रेंगल पर ये बेस हुई थी ये ये हमने हमने ये एक्सरसाइज की अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करें पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हम थ्योरम सोलव करेंगे फिर उसी बेस पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बुनियाद डालेंगे फाउंडेशन डालेंगे दैट्स इट अल्लाह हाफिज़